और सीधे रुख करते हैं झारखंड का, जहां पर सीएम रघुवर दास रांची में जनसंवाद कार्यक्रम में बोल रहे हैं। सुषमा नाग की उनकी व्यक्तिगत क्या लायबिलिटी बनती है? ठीक है भाई, जांच कराते हैं। हाँ सर, हमारा एक भी मान लें, बहुत सारे अपराध हैं सर, ये तो एक बिंदु है सर। छात्रवृत्ति जब इन्होंने प्रभार दे दिया सर टेस्टो जी को 19 अप्रैल को, तो सारे प्रभार मिलना चाहिए उनको। 64,000 अभी वो दिखला रहे हैं, 64,000 रुपया वो कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति का 27 अगस्त को जमा किए। कहाँ रहते हैं जी सर? सर इनका एड्रेस ले लीजिए, जब कमेटी जाएगी तो इनको भी बुला के इसे पूरा मैटर समझ के तब फिर कार्रवाई करें। ठीक है ठीक सर। और भी बहुत सारे वो आपको कमेटी को बताओ। ठीक है धन्यवाद। चौथा कंप्लेन लोहरदगा जिले से है, कूड़ू प्रखंड, शिकायत करता है महताब अंसारी आए हैं। वस्तुतः मामला कुएं के निर्माण से है और कुएं के निर्माण में काम कम हुआ है, राशि ज़्यादा निकाल ली गई है, बताइए। जी सर, इसमें जो लेबर काम किया है उसको पैसा नहीं मिल के दूसरे लेबर से 59,616 रुपया फर्जी निकाल की गई है। लोहरदगा उपायुक्त सर, इनका पूर्व निर्माण का योजना स्वीकृत हुआ था मनरेगा से सर 2013 में सर। अरे वो इतिहास मत बताओ, ये जो कंप्लेनर जो बोल रहा है उसका उत्तर दो। सर ये राशि एक्सेस की भुगतान हुई है सर, उस पर हम लोगों ने रिकवरी का किया है और केस भी कर रहे हैं सर। कब करोगे केस? कब का केस है ये सर? 2012-13 का। 2012-13 का, 2017 में केस हो रहा सर? अभी जांच हुई है सर, अभी कंप्लेंट है। पता कितना दिन जांच में लगता है भैया? 2012 पाँच साल हो गया, बारे में कंप्लेंट नहीं हुआ था सर। रुक, कंप्लेंट करेगा तभी कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन, आपकी क्या ड्यूटी है? नहीं सर, ये हम लोग अपने भी करते हैं सर। तो क्यों पकड़ में नहीं आए बाप? ये केस हुई है सर, वो एक जेल में भी ऑलरेडी है पहले, और जिस केस में रोजगार सेवा जेल में है सर, मीट को हटा दिया गया है सर, रोजगार सेवा को हटा दिया गया सर। क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जानी है, और यदि आपने बताया कि राशि की निकासी अधिकाई हुई है और दूसरों को भुगतान हुआ है तो इस पर कानूनी अपराध।